तो हम उस अली के मानने वाले हैं कि जो सच्चे ओहदों पर खुश होते हैं, जो जाली ओहदों पर, झूठे ओहदों पर बैठकर खुश होने वाले नहीं हैं, जो खुदा की तरफ से ओहदा मिला है उसी पर राजी रहते हैं। तो हम हज़रत अली मुर्तज़ा को पुकारते हैं, तो इसका हुक्म शरीयत के अंदर मौजूद है कि पुकारा जा सकता है। आइमा थारम सलाम ने पुकारा है, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत मिलती है, कि जब कभी बीमार होते थे तो ये कहते थे और मुसलसल तकरार किया करते थे, या फातिमा या फातिमा या फातिमा। इमाम बाकर या फातिमा कहा करते थे, तो इसलिए अगर कोई कहता है या अली या नबी तो इसके अंदर कोई मुजायका नहीं है, लेकिन तरतीब जहन में होनी चाहिए, अकीदा वाजे होना चाहिए, नजरिया डिफाइन होना चाहिए, तब जाकर आप ये पुकारें। तो शरीयत के अंदर चूंकि इजाजत है इसलिए पुकारा जा सकता है। और आज मैं जरूरी महसूस करता हूं कि अहले बैत की शान हम बयान करते रहते हैं और अहले बैत की शान को खुदा ने बयान किया है, और यही तो कमाल है इस जोड़ी के अंदर कि खुदा कुरान में अहले बैत की शान बयान करता है, अहले बैत दुआओं के अंदर खुदा की शान बयान करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरजहुम। तो आज बहुत मैं मुनासिब महसूस करता हूँ कि इस मौजू को अच्छे तरीके से आज डिफाइन कर दिया जाए कि अहले बैत की निगाह में खुदा क्या है, अहले बैत की निगाह में खुदा की अहमियत क्या है। देखिएगा दुआ अरफा का जुमला मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ, मुहर्रम के अय्याम है, मौला इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआ अरफा के अंदर इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगारा मेरी सिर्फ एक दुआ है, अगर वो दुआ पूरी हो गई तो मैं समझूंगा कि सारी दुआएं पूरी हो गई, और अगर तूने वो एक दुआ रद्द कर दी तो मैं समझूंगा कि कोई दुआ मेरे कबूल नहीं हुआ, कोई दुआ मेरे कबूल नहीं हुई। वो दुआ ये है कि परवरदिगार जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या है, और जिस शख्स ने तुझे खो दिया है उसने पाया क्या है। परवरदिगार तू अपना कुर्ब हुसैन को अता कर दे, और ये मौला हुसैन अपने जरिए से अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को पैगाम देना चाह रहे हैं, खुदा खुदा है, जान के रखो कि तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा ही किस लिए किया गया है। कुरान करीम की आयत है कि वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को पैदा नहीं किया मगर यह कि वह अल्लाह की बंदगी करें। बंदगी परवरदिगार के लिए पैदा हुए हैं, अभी यहां पर हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं यह बंदगी परवरदिगार है। अभी आप जो तशरीफ फरमा हैं, आप जो मजलिस के अंदर आए हैं, यह बंदगी परवरदिगार है जो अदा करने के लिए आए हैं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो सुपूरा सफर इख्तियार किया है वो बंदगी परवरदिगार है जो अदा कर रहे हैं। और फर्क है मौला हुसैन के अंदर और बाकियों के अंदर, फर्क क्या है, किसने क्या खूब जुमला अदा किया था, कहते हैं कि एक सजदा जेरे साये शमशीर कर अदा, एक सजदा जेरे साये शमशीर कर अदा, आ जाएगी समझ में हकीकत हुसैन की, आ जाएगी समझ में हकीकत हुसैन की। और किसी ने क्या खूब कहा था कि न मदरसा न मस्जिद न फलसफा न कलाम, न मदरसा न मस्जिद न फलसफा न कलाम, सबूत हक के लिए बस हुसैन काफी है। सुभान अल्लाह सुभान, वाह 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 सुभान अल्लाह, जी सलामत रहें, दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह बड़ा अच्छा सिलसिला है और इस सिलसिले को हम थोड़ा सा जारी रखेंगे, कुछ अशार हम सुनाए कुछ अशार आप सुनाए हैं। तो किसी ने यह भी कहा था कि काबे से जा मिला तेरा आस्था हुसैन, काबे से जा मिला तेरा आस्था हुसैन, कुरान बन गया तेरी दास्ता हुसैन, कुरान बन गया। और कुरान की शान क्या है कि कुरान ता कयामत बाकी रहने वाली किताब है। और दास्तान हुसैन की शान क्या है कि आज हम दास्तान हुसैन बयान करते हैं लगता है कुछ दिन पहले का वाकया है, जबकि इसको तारीख के अंदर देखें तो 14 सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन जो शान जिक्र हुसैन की है वो शान कुरान की है। कहा कि काबे से जा मिला
तेरा आस्था हुसैन कुरान बन गया है, तेरी दास्ता हुसैन। और बड़ी जुर्रत के साथ अब शायर ने कहा कि आवाज अंबिया भी ना पहुंची जहां तलक, पहुंचे हैं तेरे खून के छींटे वहां हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सलामत रहे याली याली याली। बिस्मिल्लाह। अब शहीद मोहसिन नकवी का शेर सुनना चाहेंगे। खुदा इंशाल्लाह इन अशार के जरिए उनके दर्जात में मजीद इजाफा फरमाए। कहते हैं कि लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है। क्या जुमले हैं, मुतजाद बातों को जमा किया है उन्होंने। लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है, लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है, सबसे ऊंचा है जो कट कर भी वो सर किसका है। सबसे ऊंचा है जो कट कर भी वो सर किसका है, किसके हिजरत के तसलसल से शरीयत है रवा और काफिला आज तलक शहर बदर किसका है। याली। और काफिला आज तलक शहर बदर किसका है। और फिर कहते हैं कि तख्त वालों ने मौर्रिख भी खरीदे होंगे, तख्त वालों ने मौर्रिख भी खरीदे होंगे, जिक्र दुनिया में मगर शाम से हर किसका है। याली। थोड़ा सा और कहिएगा हैदर 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 हैदर।